नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। अगर आप भी बीपीएससी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो ये खबर आपके लिए है, जहां बीपीएससी असिस्टेंट भर्ती परीक्षा को लेकर एक नया नोटिस जारी किया गया है। आखिरकार इस नोटिस में क्या है और बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए क्या कुछ इस बार नया फरमान दिया गया है, चलिए हम आपको बताते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2023 से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए नया नोटिस जारी किया गया है। आयोग ने कल यानी कि शुक्रवार शाम को जारी नोटिफिकेशन में कहा है कि सहायक बिहार लोक सेवा आयोग प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित वैसे संविदा कर्मी जो अपने ऑनलाइन आवेदन में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार संकल्प ज्ञापन 1003 जो कि 22 जनवरी 2021 को जारी किया गया था, इस ज्ञापन के तहत विधिवत नियोजित सहायक के पदों पर कार्यरत रहने वाले कार्य अनुभव का दावा करने वाले अभ्यर्थियों संबंधित अनुभव प्रमाण पत्र जमा कराने का अवसर दिया जा रहा है। असिस्टेंट पदों के लिए अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों की जो आयोग है वो वेबसाइट यूजर नेम पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर संबंधित सक्षम अधिकारियों की ओर जारी अनुभव प्रमाण पत्र 7 अक्टूबर 2023 से 15 अक्टूबर 2023 तक 100 के भी PDF साइज अपलोड करना सुनिश्चित करें। आयोग ने कहा है कि इस निर्धारित तिथि के बाद अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने के अवसर प्रदान नहीं किए जाएंगे। साथ ही मुख्य परीक्षा का परीक्षा फल में कार्य अनुभव का लाभ भी नहीं दिया जाएगा, इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। अभ्यर्थी यहां आयोग का पूरा नोटिस देख सकते हैं। जहां एक तरफ बीपीएससी आयोग की तरफ से ये जानकारी दी गई है, कल यानी कि शुक्रवार को बीपीएससी की तरफ से ये नोटिस निकाली गई और कहा गया कि बीपीएससी असिस्टेंट भर्ती की जो परीक्षा करने वाले अभ्यर्थी हैं, परीक्षा की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, अगर उन्होंने फॉर्म भरा है, उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, तो ऐसे में उनके जो प्रमाण पत्र जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उसमें उन्होंने कोई गलती की है तो इसे सुधार लें, नहीं तो फिर इन्हें सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि ऑनलाइन आवेदन में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार संकल्प ज्ञापन 1003 जो कि 22 जनवरी 2021 को जारी किया गया था, इस ज्ञापन के तहत विधिवत नियोजित सहायक के पद पर कार्यरत रहने वाले अनुभवी अभ्यर्थी संबंधित प्रमाण पत्र को जमा कराने का ये अवसर दिया जा रहा है। और अगर आपने डेट रहते हुए इस अवसर को नहीं पाया, अगर आपने नहीं भरा, तो इस डेट के निकल जाने के बाद आपको एक नया मौका नहीं दिया जाएगा। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।